हमारे विषय की टॉपिक चल रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसमें अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शन स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, इसमें अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखा। इसके बाद कौन से हार्मोन, कौन सा पार्ट कौन से हार्मोन बनाता है वो देखा। फिर अपन हार्मोन की फंक्शन देख रहे थे। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी वाले तो मैंने करा दिए, आज बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो आज बात करते हैं फंक्शन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, तो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन कौन से हार्मोन बनाती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो दो मुख्य हार्मोन बनाती है, एक कौन सा है ऑक्सीटोसिन, सबसे पहले लिख दो एडीएच, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, एंटी डायुरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन को अपन वैसोप्रेक्सिन के नाम से भी जानते हैं। वैसोप्रेक्सिन कह दो चाहे पिट्रिसिन, ये तीनों नाम सही है। एडीएच कह दो चाहे वैसोप्रेक्सिन कह दो चाहे पिट्रिसिन कह दो, ये तीनों नाम एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहला हार्मोन जो है इसका एंटी डायबिटिक हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसका काम क्या होता है एडीएच का, एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या करती है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, वो इंक्रीज कर देती है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। कैसे, जैसे अपन ने नेफ्रॉन पढ़ा था, ये नेफ्रॉन है और ये कलेक्टिंग डक्ट, तो एडीएच जो है ना ये पीसीटी, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हैंडलिंग, ये बोमन कैप्सूल और ये कलेक्टिंग डक्ट, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, एडीएच वैसोप्रेसिन या पिट्रिसिन क्या करता है, जब भी अपने बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है, वाटर की कमी हो जाती है ना अपनी बॉडी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो जाता है और जैसे और बहुत सारे जो इंडिकेटर्स वगैरह पता चल जाता है अपनी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है। जब ब्रेन को पता चलता है कि जब वाटर की कमी हो रही है अपनी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करता है, उसको बचाव को पूरा करने के लिए ताकि और कमी ना हो, तो उसको क्या करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एडीएच सीक्रेट करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कौन सा हार्मोन एडीएच। अब ये एडीएच क्या करेगा, एडीएच जो है ना डिस्टल कॉन्वोलेटर ट्यूबल्स और कलेक्टिंग डक्ट इस पे आके जो है ये बाइंड हो जाता है। एडीएच हार्मोन जो है ना ये क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट और बीसीटी की सेल्स पे आके बाइंड हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो यूरिन बना है इसके अंदर जो वाटर वगैरह जो आ रहा था इसके अंदर, तो ये क्या करता है कि यहां से जो है ना यूरिन बाहर निकलेगा बनके, तो एडीएच क्या करता है यहां आके बाइंड हो गया, जिससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है ना वापस अंदर ले लिया जाता है बीसीजी से, डक्ट कलेक्टिंग डक्ट से, ये क्या यहां पे पास में ब्लड वेसल्स है, तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा वाटर, और यहां से ये ब्लड वेसल्स है
वाटर जो है वापस ब्लड वेसल ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो एडीएच क्या कर रहा है, वाटर के री एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, वाटर को वापस सोख रहा है, ठीक है। कहाँ से, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर से, इतना याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एडीएच हार्मोन, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है, नेफ्रॉन के डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को वापस सोख लेता है। कब, जब वाटर की कमी होती है अपनी बॉडी के अंदर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच बना देती है, ठीक है। ये इसका हो गया पहला काम। दूसरा काम जो है एडीएच का, वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ठीक है। ये क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर पानी की कमी हो गई है, ठीक है। पानी की कमी होगी तो बीपी क्या हो जाएगी, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इस पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए एडीएच सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, जो यहाँ नेफ्रॉन से वापस पानी ले रहे हैं, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। दूसरा काम क्या करेगा, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, कैसे, ब्लड वेसल्स है ना, उसको ये सुखड़ा देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, उसको सुखड़ा देता है उसको, ताकि है ना सुखड़ा देगा तो ब्लड वेसल्स जो है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है, डायबिटीज की छोटी हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ये दो मुख्य काम करता है, ठीक है। क्या कर रहा है, वाटर की कमी आने पर, वाटर की कमी आने पर एडीएच सिक्रीट होता है, जो वाटर की कमी को दो तरीके से पूरा करता है, एक तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा नेफ्रॉन के अंदर से, नेफ्रॉन के भी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से, और दूसरा काम क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उसको सुखड़ा देता है, जिससे क्या हो जाएगा, बीपी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए ये दो काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक तो एडीएच सिक्रीट करेगा, एडीएच सिक्रीट होता है जो दो काम करता है, क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, बस इतना याद रखो। एडीएच क्या काम करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, बस ये दो काम याद रखना इसके। एडीएच क्या कर रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, कहाँ पे, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स में, और दूसरा क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, जिससे पानी की पूर्ति जो है वो पूरी हो जाती है। जब भी अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच सिक्रेट करती है, और एडीएच जो है पानी की पूर्ति को पूरा करने के लिए दो तरीके से काम करती है, एक तो क्या करेगी, नेफ्रॉन के अंदर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स पे जाके बाइंड हो जाएगी, वहाँ से ज़्यादा पानी अंदर सोख लेगी वापस, और दूसरा काम क्या करेगी, ये ब्लड वेसल्स को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, जिससे क्या हो जाएगा, बीपी जो है डाउन ना हो, अगर बीपी डाउन हो जाएगी तो सब और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी, ठीक है। तो बीपी को डाउन नहीं होने देते, ठीक है, ये इसका मुख्य कारण काम है एडीएच का, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और ब्लड प्रेशर बढ़ाना, बस ये याद रखना, ठीक है। अब दूसरे हार्मोन की बात काम करते हैं, दूसरा मुख्य हार्मोन कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ऑक्सीटोसिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को अपन एक नाम से और जानते हैं, वो है पिटोसिन, एडीएच का तो अपन ने पढ़ लिया, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और ब्लड प्रेशर बढ़ाना, ऑक्सीटोसिन क्या काम करेगा, देखो ऑक्सीटोसिन जो है ना वो क्या करता है, मिल्क लेट डाउन फैक्टर कहते हैं जिसको, मिल्क लेट डाउन फैक्टर, इसको ये मेन पास्टराइजेशन हार्मोन होता है, मेन पास्टराइजेशन हार्मोन भी कहते हैं, पार्चुरेशन हार्मोन भी कहते हैं इसको, मतलब डिलीवरी बन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जब भी बच्चे की डिलीवरी होती है ना, जैसे कि मान लो
ये यूट्रस है, ये फॉलिकल ट्यूब, ये यूट्रस है, ठीक है। मान लो कि आप बच्चा है, फिटस है, जब भी फिटस की डिलीवरी होनी होती है ना, तो ये हॉर्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी पोस्टियर। ये क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, यूट्रस पे आगे बाइंड हो जाएगा और इनकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे क्या होगा कि जो है वेजाइना वगैरह के नाल जो है इसमें इसकी डायमीटर बढ़ जाएगी और आसानी से डिलीवरी हो सके। सबसे पहला पॉइंट ये क्या करेगा, ये सबसे पहला काम क्या करेगा, यूट्रस की यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है जब बच्चे की डिलीवरी होनी होती है, डिलीवरी होनी होती है, ठीक है। जब बच्चे की डिलीवरी होनी होती है ना, तो उस टाइम ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, वो क्या करेगा, यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे कि जो है बच्चे की डिलीवरी जो है आराम से हो सके। और सेकेंड इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, जो वर्क क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेबर पेन इंड्यूस होता है, लेबर पेन। जब एक ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो पेन होगा और बच्चे की जो डिलीवरी है वो आसानी से हो पाएगी। ये दो इसके मुख्य कारण होते हैं। तीसरा, मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन मतलब मिल्क को बाहर निकालना, इसको अपन मिल्क लेट डाउन हॉर्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क लेट डाउन हॉर्मोन, मिल्क लेट डाउन हॉर्मोन भी कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, डिलीवरी के टाइम यूट्रस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाना, लेबर पेन करवाना और मिल्क जो बन चुका उसको बाहर निकालना। मिल्क बनने की प्रक्रिया कौन करता है, कल अपन ने पढ़ा था, मिल्क बनने की जो प्रक्रिया, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, मिल्क बनाता है, मिल्क बनाता है, बनाता है। जबकि ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मिल्क को बाहर निकालेगा, मिल्क को बाहर निकालने का काम जो है वो ये करेगा। समझ में आया, मिल्क जो बनने की प्रक्रिया जो है वो प्रोलैक्टिन करवा रहा है, जबकि मिल्क जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया, जब बच्चा जो है दूध मिल्क पीता है माँ का, तो उसको जो बाहर निकलता है ना वो मिल्क, वो किस वजह से निकल रहा है, ऑक्सीटोसिन की वजह से, ठीक है। वो ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क को बाहर निकालेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करेगा, जिससे क्या होगा, मिल्क जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये इसके दो मुख्य कारण मतलब हॉर्मोन्स हो जाए पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, ठीक है। तो ये इतना समझना आप पिट्यूटरी ग्लैंड का, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे पहला हॉर्मोन पोस्टीरियर का एडीएच होता है, जो क्या करेगा, वाटर का रिअब्जॉर्प्शन और बीपी बढ़ाएगा। दूसरा है ऑक्सीटोसिन या पिट्यूटरी, इसका काम क्या होता है, ये डिलीवरी के टाइम हॉर्मोन रिलीज होता है और ये क्या करता है, यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे बच्चे की डिलीवरी हो सके, लेबर पेन करवाता है और मिल्क इजेक्शन करवाता है। मिल्क इजेक्शन मतलब मिल्क को बाहर निकालता है, इसे तो मिल्क लेट डाउन हॉर्मोन भी कहते हैं। जैसे पशु वगैरह होते हैं ना, गायों वगैरह में जो मिल्क भी ज़्यादा बाहर निकालने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का, जिससे क्या होता है मिल्क ज़्यादा बाहर निकलता है, ठीक है। ये इसके हॉर्मोन के काम आते हैं, ये दो इसके मुख्य हॉर्मोन होते हैं। इतना आप पढ़ लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना।